डॉक्टर साहब, वो हमारा बेटा कैसे है? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। दानियाल ने काफी मिकदार में नींद की गोलियां खाई हैं। मैदा तो हमने वॉश कर दिया है दानियाल का, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत मुश्किल हैं उनके लिए। या अल्लाह, ऐ मेरे रब, बेशक तू रहम करने वाला है, तू ही अपने बंदों पर करम फरमाता है। तू चाहे तो क्या चीज नहीं हो सकती, तू चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। ऐ मेरे रब, तेरी तो ये शान है। तू कहता है कुन और फायकुन हो जाती है, अपनी इसी शान के सदके, अपनी रहमत के सदके मेरे रब दानियाल को ठीक कर दे, उसे दोबारा जिंदगी दे दे। या अल्लाह, वो ठीक होकर घर आ जाए, वरना मैं सारी जिंदगी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझती रहूंगी। ऐ मेरे रब, रहम फरमा। मनाहिम, जानती हूँ तुम दानियाल भाई की वजह से परेशान, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि वो उनको बहुत जल्द सेहतयाब कर देंगे। और अगर दानियाल को कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, मैंने कहा ना मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा। और देखना, तुम्हारी दुआएं उन्हें जिंदगी की तरफ वापस नहीं आएंगी। आमीन, बहुत जल्द कर वापस आ जाएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया आसिर। किस बारे में? मनाहिल ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था? ओहो, मैंने तुम्हें समझाया तो था, इतनी छोटी सी बात, इस बारे में सोच के परेशान मत हो। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी यासिर, मगर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि सूफिया अम्मी के गम में वो पागल हो चुकी है, बात बात पे हाइपर हो जाती है। बड़ी मामा को कहो कि उसको किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। अगर मैं समझाता तो बिलावजह एक तमाशा खड़ा हो जाता। तुम तो जानती हो मेरी हर बात पे वो किस तरह ओवर रिएक्ट करती है। हेलो जी, जी मैं जुबैर बात कर रहा हूँ जी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मैं बस अभी आ रहा हूँ जी। खुदा हाफिज। किसका फोन था? वो हॉस्पिटल से कॉल थी, माशाल्लाह से दानियाल को होश आ गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे बच्चे को होश आ गया। बस मैं बैग लेके आती हूँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। साहिबू, आप कहीं जा रहे हैं? जी बेटा, वो माशाल्लाह से दानियाल को होश आ गया, बस उसी को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम चलोगी। ये हालत उसकी तुम्हारी वजह से हुई है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बुरा साया मेरे बच्चे पे पड़े। समझ आई तुम्हें? जाए, आप गाड़ी स्टार्ट करें, बस मैं बैग लेके आ रही हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दानियाल को भूल जाओ, उसके करीब भी नजर मत आना मुझे। मैं अपने बेटे को तुमसे छीन लूंगी, समझ आई तुम्हें? दानियाल, बेटा डॉक्टर्स ने आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, हमें अब घर चलना होगा।
तुम्हें मालूम नहीं बेटा मैं कितना हल्का फील कर रहा हूं इस वक्त। यूं समझ लो कि अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है तुम्हें। वरना बेटा बहुत बहुत डर गया था मैं, बहुत घबरा गया था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। दानियाल बेटा मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। जी बाबा। बेटा मैं आपसे कब से बात कर रहा हूं, किन सोचों में गुम हो आप? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। देखो बेटा, डॉक्टर्स ने आपको सख्ती से स्ट्रेस लेने के लिए मना किया, इसलिए जो होना था ना बेटा वो हो गया। अब पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ना होगा आपको। ठीक कह रहे हैं पापा। देखो बेटा, आइंदा ना आप कभी खुदकुशी के बारे में प्लीज मत सोचना, कभी कोई ऐसा कदम मत उठाना। खुदकुशी ना सिर्फ गलत है बल्कि हराम है बेटा। जो लोग अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं ना, वो मुसलमान कभी हराम की तरफ नहीं जाते। पापा आप रो रहे? बेटा मैं रोना तो और क्या करूं, पूरी दुनिया हो तो मेरी पूरी जिंदगी का कुल सरमाया बेटा तो। दानियाल अगर आपको कुछ हो जाता बेटा तो हमने सोचा मेरा क्या होता, अपनी मामा का क्या होता? तुम वादा करो मुझसे दानियाल, आज के बाद बेटा तुमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। पापा मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पक्का, आई प्रॉमिस। अच्छा खैर आप उठो, चलो तैयारी करो चलने की, मैं जाके डिस्चार्ज फॉर्म वगैरह देख कर आता हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। आ जाए। मुलायम भाई, कोई काम था आपको? तुम रो रही? नहीं भाई, मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो गई, अगर अम्मी होती तो तुम इस तरह रो नहीं रही। तुम्हारा भाई होकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है मुझे। भाई दानियाल ठीक तो हो जाएगा ना, उसको कुछ होगा तो नहीं? अगर दानियाल को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। मिलना चाहती हूँ उससे। ताई अम्मी ने मुझे हॉस्पिटल आने से मना किया है। तुम मेरे साथ चलो। लेकिन भाई ताई अम्मी, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मना किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी बहन का रास्ता रोक सके।
अस्सलाम वालेकुम भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम, बेहतर है। मनाहिल नहीं आई, मामा ने उसे मना कर दिया। मैंने पूछा तुमसे मिनाइल के बारे में। दानियाल भाई आप सच बताएं, आपको मनाहिल का ख्याल नहीं आता कि आप उससे मोहब्बत नहीं करते? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप मनाहिल से बहुत मोहब्बत करते हैं, अरे इसलिए तो आपसे उसकी दूरी नहीं सही गई और आपने अपनी जान लेने की कोशिश। देखो मानूर, अगर तुम यहाँ मिनाहिल की वकालत करने आई हो ना तो तुम जा सकती हो यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी उसके बारे में। अच्छा ठीक है, मैं मनाहिल के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। दानियाल भाई वो आपके लिए बहुत परेशान है, मैंने खुद उसे रोते देखा है आपके लिए, वो बहुत मोहब्बत करती है आपसे। वो मोहब्बत नहीं थी मानूर, वो एक खूबसूरत धोखा थी। जिसे कभी समझ ही नहीं सका मैं। आप यहाँ आराम करें, मैं बाबा को देख के आती हूँ। डॉक्टर के पास गए थे, बहुत परेशान है आपके। किसी को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा हूं और हो जाऊंगा ठीक खुद ही। अली जाए, कैसी तबीयत है दानियाल की? ठीक है, डॉक्टर्स ने उन्हें स्ट्रेस ना लेने का कहा है। मामा बेचारी इतना डर गई है दानियाल भाई की इस हरकत से, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दानियाल भाई सुसाइड भी कर सकते। तुमने अपनी अम्मा से बात की? अली घर में इतनी प्रॉब्लम है और दानियाल भाई की हालत भी तो तुमने देखी ही है, इन हालात में कैसे मैं मामा से कह दूं कि सब कुछ भूल कर वो दानियाल भाई और मनाहिल की शादी कर दें? लगता है कि तुम अपना घर बसाना ही नहीं चाहती। अरे प्लीज मुझे थोड़ा तो वक्त दो, मैं मामा से खुद बात करूंगी, मैं लेकिन इन हालात में नहीं, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? हाँ लगता है तुमसे बात होगी नहीं और ये बात मुझे खुद करनी पड़ेगी। अली अली रुको, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे तो फिर क्या सोचा आपने मेरी बहन के बारे में? वैसे बड़े ढीठ हो तुम अली और काफी बेगैरत भी, वरना ये सवाल मुझसे ना करते तुम। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप और आपका बेटा बहुत गैरतमंद है। हाँ मेरी बहन से ऐन वक्त पर निकाह से इनकार कर दिया उसने, बड़ा गैरत वाला काम किया उसने, ये पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाया है। इतनी जिल्लत इतनी रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी है मुझे? मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन ने जो गुल खिलाए थे वो नजर नहीं आए? ठीक है तो फिर साफ साफ सुना है, अगर मेरी बहन का घर नहीं बसा ना
तो आपकी बेटी का भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने मानूर से ये शादी इसलिए की थी ताकि तुम हमें ब्लैकमेल कर सको। हाँ ठीक कह रही हैं आप, उससे इसीलिए शादी की है कि आप लोगों को इस घर में आके तकलीफ दे सकूं मैं। जो जो दुख आप लोगों ने मुझे और मेरी बहन को पहुंचाए हैं ना, उन सबका बदला ले सकूं मैं। दिखा दी ना अपनी औकात। अभी तो सिर्फ औकात दिखाई है मैंने, शुक्र करें आप। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो इस घर में क्या क्या देखना पड़ेगा इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती आप। इसीलिए जो कह रहा हूं वो होना चाहिए। दानियाल, क्यों आए हो तुम यहां? ये देखने आई हो कि मैं जिंदा हूं कि नहीं? दानियाल, तुमने क्यों किया ऐसा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। ये झूठी मोहब्बत और हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुम यासिर की तरह मुझे भी बेवकूफ बना लोगी? मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मैं तुम्हारी नजरों के सामने कभी आऊंगी भी नहीं। लेकिन अगर तुमने दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश की ना तो उस घर से एक नहीं दो जनासे निकलेंगे। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहां आने से। आप फिक्र मत करें ताई अम्मी, अब मैं दानियाल की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूं। उसने मुझे सख्ती से मना किया तुम्हें कुछ भी बताने से। आखिर उसे पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम वो मुझे फोर्स करे तुम्हारे और दानियाल बी की शादी के लिए, तो हो सकता है वो मुझे तलाक भी दे दे। चाहे सौतेली हो मानता।